आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर किरण देशमुख, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ निमा स्टूडेंट फोरम। सर क्या मांगे आप, किन मांगों के लिए आप यहाँ आए हैं? बेसिकली भारत सरकार की ओर से नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है, उनके तहत हमारे प्रैक्टिस के ऊपर जो कुछ भी वो प्राविधान लिखे चुके हैं वो प्राविधान हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपको अगर हमारे ऊपर कोई भी निर्बंध लगाने हो तो हमारे जो कमिटी मेंबर है उनसे आप बातचीत कीजिए, बीच का सलाह मसलत कीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ रूल करना है हम उसके लिए राजी है। बट आप एक तरह से हुकुमशाह के जैसे अगर करोगे तो हमें ये बिल्कुल मान्य नहीं है। हम हमारी प्रैक्टिस करते समय हर एक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं और 5.5 साल का कोर्स करते हैं। बहुत सारी तादाद में लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई NRHM में काम करता है, कोई PSC, कोई रूरल हॉस्पिटल, कोई स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर जगह पे हमारे लोग काम करते हैं, 108 एम्बुलेंस पे काम करते हैं। साथ ही के साथ में जो भी RBSK और आयुष मंत्रालय हर एक जगह पे स्कीम में हमारे डॉक्टर लोग वहाँ पे तादाद में काम करते हैं। हर कोई MBBS डॉक्टर जो बड़ी डिग्री लेके सिटी में प्रैक्टिस करता है, बट एक दफा आप देखिए कि जो ग्रामीण जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी आरोग्य व्यवस्था, सब BMA डॉक्टर लोग इकट्ठा होकर काम करके वहाँ पे आरोग्य व्यवस्था पे देखते। हमारा कहना ये है कि आप हमारा जो एलोपैथी का जो हमारा कहना है, इंटीग्रेशन का जो हमारा राइट है, वो हमारे NSIM के बिल में आपको नमूद करना पड़ेगा, ये हमारी डिमांड है। क्या सर ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या ये कुछ अंतर ये है या मतलब ये अंतर कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं नीति, मैं डॉक्टर मुजाहिद पठान, मैं लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ और नीति आयोग ने जो बिल अभी पास किया है, जो कंडेंस कोर्स हमको 92 में कंडेंस कोर्स दिया गया था, लेकिन कुछ राइट्स हमारे अभी छीने जा रहे हैं। नीति आयोग अपनी हुकुमशाही बना रही है और हमारे राइट छीने जा रहे हैं। इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डेफिनेशन चेंज हो जा रहा है और जो नॉमिनेटेड मेंबर किए जा रहे हैं, जबकि CCM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर चुनती है, वो नॉमिनेटेड मेंबर चुनेंगे और हमारे अधिकार छीनते जाएंगे। अभी मैं डॉक्टर JB भोर थाना से आया हूँ, महाराष्ट्र थाना से आया हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये जो अभी हमारा अधिकार छीन लिया है वो कितना सालों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है, तो इससे क्या होएगा कि सामान्य पब्लिक का इतना नुकसान होने वाला है। तो तुम्हारा MBBS वाला तो पेरिफेरल में जाने वाला नहीं है, तो सामान्य पब्लिक का आरोग्य को इतना परेशानी हो जाएगी, कोई लोग तो इतना दुर्दर में MBBS का सिटी तो छोड़ता नहीं है, पेरिफेरल में जाता नहीं है। हम लोग का 70% लोग हमारा लोग काम कर रहे हैं, तो इसका पूरा भारत में इतना परिणाम होने वाला है, आरोग्य सेवा बिल्कुल बिगड़ जाएगी उसका, इसलिए तो उसने ये जो चालू है वो चालू रखना मांगता है, ये हमारे मांग है। 80% जनता देश की उसको हमारे चिकित्सक ट्रीट करते हैं। मैं भिवानी हरियाणा से आया हूँ, आंकड़े गवाह हैं वहाँ के। वहाँ 350 डिलीवरी उस छोटे से शहर में होती है, जिसमें से 300 डिलीवरी ISM ग्रेजुएट द्वारा की जाती है और उसमें से भी 90% जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। जो हमारे ISM हैं उनकी अवेलेबिलिटी 24 घंटे है, वो जो हमारे ISM हैं उनके जो रेट्स हैं वो काफ़ी नॉमिनल हैं, वो गाँव के तक, वो ग्रामीण क्षेत्र की हर आखिरी गली तक हमारे डॉक्टर इलाज करते हैं। हमारे डॉक्टर जो चिकित्सा करते हैं वो इंटीग्रेटेड जो डॉक्टर चिकित्सा करते हैं वो IMA के डॉक्टर चिकित्सा नहीं कर सकते। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम मोदी साहब से मांग करते हैं, मोदी साहब आप आँख खोल के देखो, आप अपने आंकड़े झाको, आप ये देखो कि हमारा ISM कितना चिकित्सक काम कर रहा है। हमारा डॉक्टर एक डॉक्टर 24 में से 18 घंटे काम कर रहा है और आज सब जो इकट्ठे हुए हैं वो सब गुस्से का इजहार करने आए हैं कि ये जो चिकित्सक है इनकी रोजी रोटी मत छीनो, हम देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करो, आप हमारे कोई सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करो, आप हमें एजुकेट करो, हमें मुख्य धारा में शामिल करो, ना कि आप हमें इधर किनार करो। आपसे हम यही मांग करने आए हैं, अगर आप हमारी मांग नहीं करोगे तो ये चिकित्सक, ये एक चिकित्सक 10-10 हज़ार आदमियों के बराबर है। ये एक चिकित्सक है, महात्मा आनंद कुमार के मत चलो कि ये 50 हज़ार चिकित्सक है, ये 5 करोड़ आदमी है जो ईट की ईट बजा देंगे, आपको दिखा देंगे चुनाव में कि क्या ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। धन्यवाद।